हाय फ्रेंड्स, क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं? अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं और आप अपने मोबाइल में भी बिल्कुल कंप्यूटर के जैसा अगर सेटिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपने मोबाइल को ही कंप्यूटर जैसा स्क्रीन पूरा दे सकते हैं, कंप्यूटर जैसा पूरा लुक दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर को चलाते हैं वैसे ही हम अपने मोबाइल में कंप्यूटर के जैसा चला सकते हैं, पूरा हमारा लुक कंप्यूटर जैसा हो जाएगा मोबाइल का। तो इसके लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, उस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और चलिए देखिए, चलिए अपने मोबाइल को कंप्यूटर जैसा बना करके दिखाते हैं कि कैसे कंप्यूटर जैसा अपने मोबाइल को बना सकते हैं और बनाने के बाद से चलाने में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर जैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद से चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे लॉन्चर पे, कंप्यूटर लॉन्चर पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसको। ये हमारा मोबाइल देख सकते हैं ऐसा हो गया है। मोबाइल हमारा पहले मोबाइल जिस तरह चलता था उस तरह था, अब बिल्कुल कंप्यूटर की तरह हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप मेरा आ गया। यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह कंप्यूटर में दिखाता है फाइल्स एंड फोल्डर्स को, उसी तरह यहाँ पे दिखा रहा है, सेम उसी तरह बिल्कुल। और हमारा मोबाइल जिस तरह चलता है उस तरह नहीं दिखा करके, या बिल्कुल जिस तरह कंप्यूटर लैपटॉप चलता है उस तरह का सिस्टम यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी फाइल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारा फिर फाइल और फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमारा दिखा रहा है। तो यहाँ से बैक आने के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे कट के लिए और यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज दिया हुआ है। यहाँ पे सभी जिस तरह कंप्यूटर में टूल्स रहता है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से नया फोल्डर बना सकते हैं और हम बैक आने के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइकल बिन भी हमारे मोबाइल में आ गया। जिस तरह कंप्यूटर में रिसाइकल बिन रहता है, हमारा मोबाइल में भी रिसाइकल बिन आ गया है। जो भी डिलीट करूँगा वो इसमें आ जाएगा, बाद में इसमें से डिलीट करने के बाद ही वो पूरी तरह से डिलीट हो पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह करके हम अपने कंप्यूटर जैसे बना सकते हैं मोबाइल को। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, और साथ में घंटे वाला बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो